जी हाँ दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस को ये एक्साइटमेंट रहती है कि उनकी अपकमिंग फिल्म का ऐलान कब होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, क्योंकि आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। बता दें कि फिल्म टाइटल और एक्ट्रेस के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म से जुड़ी तमाम डिटेल्स भी फैंस के साथ शेयर की है, जहाँ पर सिद्दीकी की नई फिल्म का नाम जोगीरा सारारा है। पहली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक्ट्रेस नेहा शर्मा नजर आएंगी। अभिनेता ने खुद फिल्म की डिटेल के साथ एक्ट्रेस के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि नई फिल्म जोगीरा सारारा नेहा शर्मा के साथ इस फिल्म को कुशान नंदी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। वहीं फिल्म को गालिब असद भोपाली लिखने जा रहे हैं। फिल्म की तैयारी अगले साल शुरू होगी। बता दें, फिल्म से पहले नवाजुद्दीन कुशान के साथ बाबू भाई बंदूकबाज फिल्म में काम कर चुके हैं, जो कि काफ़ी खास फिल्म रही थी। भले से इतनी हिट ना हो पाई हो, लेकिन नवाजुद्दीन का किरदार उसमें भी काफ़ी पसंद किया गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वर्क फ्रंट की बात करें तो अभी हाल ही में G5 की फिल्म धूमकेतु में नज़र आए थे, जो कि उनकी काफ़ी पुरानी फिल्म थी। ये फिल्म खास कमाल तो नहीं दिखा पाई। इसके बाद ही हाल ही में उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रात अकेली है रिलीज़ हुई। इस फिल्म में एक बार फिर उनके काम की प्रशंसा हुई। रात अकेली है फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा राधिका आप्टे भी नज़र आईं, लेकिन फिल्म में नवाज पुलिस वाले के रोल में नज़र आए, जो कि सभी के लिए काफ़ी खास किरदार बन गया है, जिसमें सब ने नवाज की काफ़ी तारीफ भी की। फिल्मों के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि पत्नी आलिया द्वारा लगाए गए आरोप पर एक्टर ने कोई सफाई नहीं दी है अब तक। लेकिन क्या आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म सारारा जोगीरा के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं? तो ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जोगीरा सारारा फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं? नेहा शर्मा के साथ नवाजुद्दीन की जोड़ी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट।